गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल बहुत कदम। हेलो पीपल, आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फर्स्ट कदम पर। और जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा, अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, हम लोग ऋषिकेश में पहुँच गए थे अपने होटल होम स्टे जहाँ पर लिया था। और उसके बाद प्लान किया कि हम लोग लक्ष्मण झूला देखने जाएंगे और उसके बाद त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती अटेंड करेंगे। तो सबसे पहले जा रहे हैं लक्ष्मण झूला, जो कि हमारे होटल से काफ़ी पास में था, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, तो हम लोग वॉक करते हुए ही जा रहे हैं। चलिए आपको आगे दिखाते हैं लक्ष्मण झूला। तो गाइस ये है रास्ता जहाँ पर आपको ढेर सारी शॉप मिलेंगी, जहाँ से आप हैंडीक्राफ्ट या जूट वूट का जो भी सामान होता है वो खरीद सकते हैं। ये जो रास्ता है लक्ष्मण झूला जाने के लिए, शॉर्टकट है जो हमने लिया हुआ है, थोड़ा सा ढलान है और अंदर छोटा सा मार्केट टाइप है, छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट रत्न वगैरह की शॉप हैं, कैफ़े वगैरह हैं। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लक्ष्मण झूला की ओर चले जाएंगे, बाकी प्रॉपर रोड भी है वहाँ से भी जा सकते हैं। तो लक्ष्मण झूले की ओर जाते हुए हमें एक नीचे की ओर जाकर के गंगा का किनारा दिखाई दिया, तो हम लोग थोड़ा सा वहाँ पर भी चले गए। यहाँ से आप जो है गंगा के किनारे से अपोजिट साइड भी जा सकते हैं, यहाँ पर नाव वगैरह चलती हैं, तो उसके थ्रू लोग अपोजिट साइड भी जाते हैं, वहाँ पर मंदिर वगैरह हैं उनके दर्शन करते हैं, जो 13 फ्लोर वाला मंदिर है वहाँ तक आप यहाँ से जा सकते हैं। अभी आपको स्टेटस देती हूँ, लक्ष्मण झूला बंद है, कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है वहाँ पर, इसलिए लक्ष्मण झूला बंद है। अब हम लोग यहाँ से त्रिवेणी घाट जा रहे हैं, तो सांस फूल रही है मेरी। और त्रिवेणी घाट पर जा कर के आरती अटेंड करेंगे। दिस इज़ द व्यू। तो क्योंकि लक्ष्मण झूला बंद था तो हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी घाट पर ऑटो से, जिसका किराया था 50 रुपये पर पर्सन त्रिवेणी घाट तक। हम लोग त्रिवेणी घाट पहुंचने ही वाले हैं, बट जहां तक है मुझे लग रहा है कि हम लोग लेट हो चुके हैं। आरती के लिए बताया था 5:30 तक है, बट हम थोड़ा सा 15-20 मिनट लेट हैं, थोड़ा सा लेट हैं। लक्ष्मण झूला पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग गया, आज तो हमें जगह भी नहीं मिलेगी, हम लोग इतना लेट तो आज की आरती कुछ इसी तरीके से अटेंड कर पाई हम लोगों ने, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गए थे और भीड़ बहुत हो जाती है। अगर आपको आरती अच्छे से अटेंड करनी है तो टाइम से कम हाफ एन आवर या 1 घंटे पहले पहुंचे तो आप आगे बैठकर प्रॉपर आरती का मजा ले सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने टाइम पर पहुंचकर आरती अटेंड की थी पिछली बार, तो आप वो वीडियो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार दे दूंगी। यहाँ पर गंगा जल भरने के लिए इस टाइप की छोटी छोटी बॉटल्स भी मिलती हैं, और जो लोग गंगा में दीप दान करते हैं उनके लिए दीपक भी मिलते हैं यहाँ पर। हमारी आरती ख़त्म हो गई है और हम यहाँ पे 5 मिनट बैठने के बाद अब जा रहे हैं राम झूला, क्योंकि रास्ते में आते हुए हमने देखा था कि राम झूला पर काफ़ी अच्छी लाइटिंग हो रखी है, तो वहाँ जाकर कुछ देर बैठेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और फिर जाएंगे वापस रूम। घाट से जा रहे हैं लक्ष्मण झूला और हम लोगों ने इसके लिए किया हुआ है ई रिक्शा, जो कि वहाँ पर बहुत सारे मिल जाते हैं, ऑटो ई रिक्शा रिजर्व भी कर सकते हैं आप और सवारी के हिसाब से भी जा सकते हैं, तो नेगोशिएबल है, कोई 30 रुपये कोई 50 रुपये इस हिसाब से। तो अभी हम लोगों ने जो रिक्शा किया है दैट इज़ 100 रुपीज़ कॉस्ट है, आप बोल सकते हैं पर पर्सन 50 रुपीज़। तो
रिजर्व करके जा रहे हैं हम लोग, और 5 से 10 मिनट में 15 मिनट में पहुँच जाइए। न्यू पी रहे हैं हम, नींबू पानी। भैया हमारे लिए नींबू पानी बना रहे हैं, और मैं भैया से ऐसी जानकारी ले रही थी कि ठंडियों में भी नींबू का पानी, मतलब नींबू पानी लोग पीते हैं, तो भैया बोल रहे थे हाँ पीते हैं पर थोड़ा सा कम हो जाता है सीजनल। ये है राम झूला, और राम झूला जाते वक्त आपको रास्ते में बहुत सारी फूड स्टॉल्स मिलेंगी, वहाँ पर आप एक बार आलू चाट जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी था। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर हमारा ऋषिकेश में थोड़ा सा शाम का टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, एक अच्छी सी रास्ते में चाय मिली, वो चाय पी, और यहाँ पर ये ब्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अभी ये सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है, आप आगे बहुत कुछ अच्छे वीडियोज़ देखने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।